फ्रेंड्स, इससे पहली वीडियो में हम कांग्रेस की जो स्थापना थी उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला और दूसरे अधिवेशन के बारे में हम चर्चा कर चुके थे पहले ही। पहला अधिवेशन 1885 को हुआ था, ब्योमेश चंद बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था, बम्बई में हुआ था। उसमें 72 में प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। और जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। उसमें 436 मेंबरों ने भाग लिया था, ठीक है। आगे हम जो तीसरा अधिवेशन है इसके बारे में देख लेते हैं। तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1887 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1887 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बद्रुद्दीन तैयब जी ने की थी। किसने की थी इसकी अध्यक्षता? बद्रुद्दीन तैयब जी ने, ठीक है। ये इस जो ये अधिवेशन था, तीसरा अधिवेशन, इसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये, ठीक है। और प्रथम बार तमिल भाषा में भाषण दिया गया था इस अधिवेशन में, ठीक है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बद्रुद्दीन तैयब जी, और इसमें प्रथम बार तमिल भाषा में क्या दिया गया था? भाषण दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में चौथा अधिवेशन देख लेते हैं। चौथा अधिवेशन कब हुआ था? 1888 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जॉर्ज यूले, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है। और प्रथम बार हिंदी में भाषण दिया गया था, ठीक है। अगला जो अधिवेशन है, सातवां अधिवेशन, उसके बारे में देख लेते हैं। सातवां अधिवेशन 1891 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पी आनंद चारलू। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पी आनंद चारलू की अध्यक्षता में, ठीक है फ्रेंड्स। यह एक जो कहाँ हुआ था यह अधिवेशन? नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। कांग्रेस के नाम में पहली बार राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था फ्रेंड्स? कांग्रेस के नाम में पहली बार राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। किस अधिवेशन में जोड़ा गया था? सातवें अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में पहली बार राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला अधिवेशन देख लेते हैं, बारहवां अधिवेशन। बारहवां अधिवेशन कब हुआ था फ्रेंड्स? 1896 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? रहीम तुल्ला। किसकी अध्यक्षता में किया गया था फ्रेंड्स? रहीम तुल्ला की अध्यक्षता में। इनका पूरा नाम है रहीम तुल्ला सयानी, ठीक है फ्रेंड्स। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम का गान पहली बार किया था, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब जो वंदे मातरम गान है ना, उसको पहली बार गाया था फ्रेंड्स, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार 12वें अधिवेशन में गाया था, ठीक है फ्रेंड्स। हुआ कब था? 1886 में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं, 21वां अधिवेशन, ठीक है फ्रेंड्स। 21वां अधिवेशन कहाँ कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी फ्रेंड्स? 1905वें अधिवेशन की अध्यक्षता जो कहाँ पे हुआ था? 21वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस में। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? बनारस में हुआ था ये, ठीक है। इसमें ना इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अब इसमें ना थोड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस अधिवेशन में बंग वंग की निंदा की गई थी, ठीक है। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसकी इसमें क्या की गई थी? निंदा की गई थी, ठीक है। दूसरी बात, लाला लाजपत राय ने प्रथम बार सत्याग्रह को अपनाने का क्या दिया था? इसी अधिवेशन में सुझाव दिया था। किन्होंने? लाला लाजपत राय जी ने प्रथम बार सत्याग्रह को अपनाने का क्या दिया था? सुझाव दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। और एक और महत्वपूर्ण बात होती है इसमें कि गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में आता है जैसे कि विपक्ष के नेता की उपाधि गोपाल कृष्ण गोखले को किस अधिवेशन में दी गई थी? तो कौन से अधिवेशन में दी गई थी फ्रेंड्स? बनारस में जो अधिवेशन हुआ था, 21वां अधिवेशन, ठीक है फ्रेंड्स। 1905 में हुआ था ये, ठीक है। अगला देख लेते हैं, 22वां अधिवेशन, ठीक है। 22वां अधिवेशन हुआ कब था? 1906 में, ठीक है फ्रेंड्स। कब हुआ था? 1906 में। किसके अध्यक्षता में हुआ था? दादाभाई नौरोजी के अध्यक्षता में। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? कोलकाता में हुआ था। इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया था इसमें। मतलब स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया था फ्रेंड इसी अधिवेशन में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं, 23वां अधिवेशन, ठीक है फ्रेंड्स। 23वां अधिवेशन हुआ कब था? 1907 में फ्रेंड्स, ठीक है। 1907 में 23वां अधिवेशन हुआ था, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में सूरत में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। 1907 में क्या है कि कांग्रेस की विभाजन भी हो गया था, नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे इसमें, इस अधिवेशन में, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी अध्यक्षता इस महत्वपूर्ण बन जाता है ये, क्योंकि इसमें नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। कांग्रेस का विभाजन हो गया एक तरह से, कहने का मतलब, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये महत्वपूर्ण बात है। तो राज बिहारी बोस ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी, ठीक है फ्रेंड। अगला अधिवेशन देख लेते हैं, अगला अधिवेशन 26वां अधिवेशन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए कि 26वां अधिवेशन कब हुआ था? 1911 में, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ हुआ था? ये भी कलकत्ता में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बिशन नारायण दर ने। किसने की थी फ्रेंड्स? बिशन नारायण दर ने, ठीक है फ्रेंड्स।
कांग्रेस मंच पर प्रथम बार राष्ट्रीय गान गाया गया था इस अधिवेशन में। इसमें महत्वपूर्ण बात यही है फ्रेंड्स कि कांग्रेस मंच पर प्रथम बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था 1911 में, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित था ये राष्ट्रीय गान। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। 31वां जो अधिवेशन था 1916 में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। 31वां अधिवेशन 1916 में हुआ था, इसमें इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरम मजूमदार ने की थी। किसने की थी फ्रेंड्स? अंबिका चरम मजूमदार ने की थी। ये हुआ कब था? 1916 में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि दो नरम दल और गरम दल दोनों अलग हुए थे, वो एक हो गए थे, और मुस्लिम लीग के साथ भी इनका क्या हुआ था? समझौता हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। 32वां अधिवेशन, 32वां अधिवेशन हुआ था ना 1917 में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। 32वां अधिवेशन कब हुआ था? 1917 में। कहाँ हुआ था? ये भी कलकत्ता में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी? 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सी? ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। और इसी अधिवेशन सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था, ठीक है फ्रेंड्स। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने कब अपनाया था? 1917 में। 1917 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला अधिवेशन आ जाता है 40वां। तो 40वां अधिवेशन हुआ था 1925 में। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1925 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू। किसने की थी फ्रेंड्स? सरोजनी नायडू ने की थी। कहाँ हुआ था? ये कानपुर में हुआ था। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन थी फ्रेंड्स? ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। कौन से अधिवेशन में? 40वें अधिवेशन। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था इसी अधिवेशन में। किसमें? और इसमें एक मतलब गायन भी गाया गया था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का गायन भी किया गया था इसी अधिवेशन में, 40वें अधिवेशन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या क्या बात है 40वें अधिवेशन की, कि इसकी अध्यक्षता कब हुई थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी। कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये कांग्रेस की, ठीक है। अगला अधिवेशन देख लेते हैं। अगला अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन है 50वां अधिवेशन जो एकमात्र कब हुआ था? गाँव में हुआ था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है फ्रेंड्स। वह हुआ कहाँ था? फैजपुर में, ठीक है फ्रेंड्स। कब हुआ था? 1938 में, ठीक है फ्रेंड्स। एक अधिवेशन और है, मतलब 45वां शायद, उस 45वें अधिवेशन की अध्यक्षता भी शायद जवाहरलाल 45वें अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है फ्रेंड्स। वो हुआ था लाहौर में, ठीक है फ्रेंड्स। उससे और नहीं सॉरी 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 45वें अधिवेशन हुआ था 1931 में, ठीक है फ्रेंड्स। उसकी अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने, जो कहाँ हुआ था? कराची में। इसी मतलब जो 45वां अधिवेशन था सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुआ था 1931 कराची में। इसमें मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव तथा उसकी आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। और इसी अधिवेशन से गांधी इरविन समझौता का भी अनुमोदन किया गया था 45वें अधिवेशन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो महत्वपूर्ण अधिवेशन थे वो मैंने बता दिए हैं, जितने भी कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? तो पंटा भी सीतारामैया ने लिखा था, ठीक है फ्रेंड्स। दादाभाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उसको एक बार उसमें बता देता हूँ, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एलन ऑक्टोबियम हुम ने की थी। किसने की थी फ्रेंड्स? एलन ऑक्टोबियम हुम ने। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स कि एलन ऑक्टोबियम हुम ने जो कांग्रेस की स्थापना की थी वो इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से की थी। किसने नाम से की थी फ्रेंड्स? इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से। अभी एग्जाम में अभी आपसे कोई पूछे कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो की तो एलन ऑक्टोबियम हुम ने की थी, पर किस नाम से की थी? तो इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से की थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से की थी, लेकिन दादाभाई नौरोजी के कहने पर इसे इंडियन नेशनल यूनियन के स्थान पर इसका नाम कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात, ऐसे कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बद्रुद्दीन तैयब जी, ठीक है फ्रेंड। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, ठीक है फ्रेंड्स। कौन से अधिवेशन, किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी ना? चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता। कब हुआ था? 1888 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। और प्रथम बार हिंदी में भाषण भी अधिभाषण भी दिया गया था, ठीक है, अभिभाषण भी। और एक फ्रेंड्स क्वेश्चन है, जैसे कि ये दोनों हो गए, उसके बाद थोड़े और जो कांग्रेस के फैक्ट थे, जैसे कि किस विद्वान ने कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। और जो
कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू नायडू थी। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे किसको बनाया गया था, तो श्रीमती एनी बेसेंट को बनाया गया। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट है फ्रेंड, तो ये ध्यान रखना कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था, श्रीमती एनी बेसेंट को बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1917 में, ठीक है फ्रेंड्स। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। कब बनाया गया था, 1900